Now, hello students. Now I explain you the second part, okay, of our lesson 16. That is exclamatory and emphatic. ये हमारा continuation part है. हमने first part में क्या देखा था? Exclamatory sentence. अब हमारे second part में अभी मैं क्या समझाऊंगी आपको? Emphatic sentence. ये topic नया है. थोड़ा attention pay करो. समझ में आ गया. It's very simple. Emphatic sentence is a sentence in which special stress is laid on the action verb. ओके, खास भार दिया जाता है. स्ट्रेस का मतलब भार देना. किस पे? ऑन द एक्शन वर्ब. वर्ब जो है दैट इज डूइंग थिंग. ओके, जो भी अंदर एक्शन है, ओके, उस पे हम ज्यादा स्ट्रेस करते हैं. कैसे स्ट्रेस करते हैं? देखो, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली. सिंपल सेंटेंस में देखो, यहाँ पर आपको दो टाइप दिया है. हाउ आर द सिंपल सेंटेंस एंड उसको इम्फैटिक सेंटेंस में हम कैसे चेंज कर रहे हैं और क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्पीक द ट्रूथ. जैसे हम बोलते हैं कम इन, ये एक ऑर्डर जैसा लग रहा है ना आपको, तो उसमें क्या है? कोई सिर्फ वर्ब ही दिख रहा है ना, कुछ है नहीं, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? डू. ओके, हम क्या लगा के? ऑर्डर चबी है कोई भी चीज, जैसे हम पे बाहर लगा के करेंगे, जैसे करना ही है. ओके, तो वहां पे हम डू लगा के था. डू स्पीक द ट्रूथ, ऐसे करके फिनिश हो गया. फिर सेकेंड देखो, दे स्पीक द ट्रूथ. यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? कुछ फलग है. यहाँ पे दे जो सब्जेक्ट है ना हमारा, फिर स्पीक इज द वर्ब, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है. ओके, तो जब भी प्लूरल फॉर्म में होता है एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज द इम्फैटिक सेंटेंस, तो हम क्या लगाएंगे? देखो, दे डू स्पीक द ट्रूथ. सब्जेक्ट वैसे के वैसे रहेगा, हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू, डस और डिड लगाएंगे. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्रेजेंट पास फ्यूचर में हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, वी मेक सेंटेंस विद डू, डस एंड डिड. तो डू डस का भी कैसे यूज करते हैं? डू वी यूज इन प्लूरल फॉर्म, डस इन सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, और डिड का एक ही चीज है व्हेन इट इज इन पास्ट टेंस. ओके, तो अगर पास्ट टेंस में वर्ब है देन यू विल मेक इट इन टू, वो पास्ट टेंस में तो वी टू फॉर्म है तो उसके साथ डिड लगेगा, देन वी वन फॉर्म. तो सेम चीज वही आपको फॉलो करनी है. ओके, हियर ऑल्सो दे स्पीक द ट्रूथ, दे प्लूरल फॉर्म है तो हम डू लगाएंगे यहाँ पे. इम्फैटिक सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? डू, डिड एंड डस. अगेन, तो दे डू स्पीक द ट्रूथ. देन नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, शी स्पीक्स द ट्रूथ. स्पीक्स वर्ब के बाजू में एस लगाए, तो मैंने आपको क्या बोला था? जब भी वर्ब के साथ एस लगाओ दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म. ओके, शी सिंगुलर फॉर्म में है. ओके, तो सिंगुलर फॉर्म जो होता है हम क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, प्रेजेंट टेंस में, दैट इज डस. तो शी डस स्पीक द ट्रूथ. द नेक्स्ट थर्ड में देखो, शी स्पोक द ट्रूथ. तो शी सिंगुलर है, स्पोक कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द पास्ट टेंस, दैट इज वी टू फॉर्म. तो वी टू फॉर्म मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस है, तो हम वहां पे डिड लगाएंगे. शी डिड और स्पोक का वी टू फॉर्म क्या होगा? स्पीक. She did speak the truth. देखो आपको फोरों में देखो डिफरेंस क्या लग रहा है. फर्स्ट हमारा ऑर्डर जैसा है. ओके, कोई स्टेटमेंट है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? डू लगा के कर देते हैं. सेकेंड में प्लूरल है तो प्लूरल में हम डू लगा के सेंटेंस बनाएंगे. थर्ड में हमारा सिंगुलर फॉर्म है इसलिए हम शी डस लगाएंगे. स्पीक्स है तो वो वहां पे स्पीक ही हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है. देन शी स्पोक, दैट इज पास्ट टेंस, तो डिड लगा के वी वन फॉर्म है. स्पोक का हमारा क्या है? वी वन फॉर्म स्पीक. स्पीक स्पोक, तो स्पोक का स्पीक बन के डिड स्पीक द ट्रूथ. इस तरह देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देख लो फिर वापस आपको अच्छे से याद आ जाए. कम अर्ली सिंपली लिखा है, स्टेटमेंट जैसा है. सो डू कम अर्ली हम लगाएंगे. बॉयज कम अर्ली प्लूरल फॉर्म है तो बॉयज डू कम अर्ली. ओके, द नेक्स्ट राधा कम्स अर्ली. एस है वर्ब के साथ, सो हम और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो राधा डस कम अर्ली. फिर नेक्स्ट राधा केम अर्ली. वर्ब हमारा वी टू फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे? राधा डिड कम अर्ली, क्योंकि कम का केम हो रहा है वी टू फॉर्म, तो डिड लगा के हम वी वन फॉर्म लगाएं. डिड कम अर्ली. सो दिस इज योर इम्फैटिक सेंटेंस. देखो जैसे यहाँ बोला है रूल्स, नोट दैट इन इम्फैटिक सेंटेंस we use do, did, does with V1. Do or does is used with the action in the present and did is the used in the action in the past.
आफ्टर डू डिड डस ऑलवेज वी पुट वी वन नॉट द वी टू फॉर्म. ओके, हम हमेशा डू डिड डस लगाने के बाद वी वन फॉर्म में ही लिखेंगे. नाउ हियर इज योर एक्सरसाइज, पुट ईच सेंटेंस इन इम्फैटिक फॉर्म. आपको इम्फैटिक फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट आपको देखना है स्टेटमेंट ऑर्डर जैसा है तो डू लगाएंगे. अगर वर्ब में एस है तो यू विल पुट डस और वी वन फॉर्म. अगर वर्ब पास्ट फॉर्म है, वी टू फॉर्म है, तो डिड लगा के वी वन फॉर्म बनाएंगे. ओके, यही आपको देखना है यहाँ पर. कम इन टाइम, स्टेटमेंट जैसा लगा, ऑर्डर जैसा, तो डू लगाएंगे, डू कम इन टाइम. देन सेकेंड वन, ही टुक माई बाइक. देखो टुक, टुक टेक टुक, तो ये है वी टू फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है, तो चेंज इट, ही डिड टेक माई बाइक. समझ में आया आपको? टुक इज द वी टू फॉर्म, टेक टुक. तो हम वी वन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसलिए पास्ट टेंस है तो डिड लगाएंगे. ही डिड टेक माई बाइक. थर्ड वन, ही नोज द सीक्रेट. देखो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट हमारा ही है, वर्ब क्या है हमारा, नोज, एस लगा हुआ है, तो वी विल पुट डस, वी विल यूज. ही डस नो द सीक्रेट, ही डस नो द सीक्रेट. नेक्स्ट, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ऑर्डर फॉर्म में, तो डू रेस्पेक्ट योर टीचर्स. वी हेल्प्ड अवर फ्रेंड्स, वर्ब हेल्प, हेल्प्ड वी टू फॉर्म में, तो वी डिड हेल्प अवर फ्रेंड्स. शी हैज सम प्रॉब्लम, हैज हमारा है, सॉरी हैज इज अवर वी वन फॉर्म में, शी हैज सम प्रॉब्लम, हैव हैज. ओके, तो उसको हम, ये हमारा वी टू फॉर्म है, तो शी डज हैव सम प्रॉब्लम. ओके, शी वॉन्ट्स सम मनी, वॉन्ट्स इज द वर्ब, एस है, तो शी डज वॉन्ट सम मनी. आई गेव हिम द मैसेज, वर्ब हमारा क्या है, गेव, गिव, गेव, वी टू फॉर्म है, तो गिव हो जाएगा और डिड लगेगा. आई डिड गिव हिम द मैसेज. ओके, नेक्स्ट, नाइट, ही केम हियर यस्टरडे. ही सब्जेक्ट केम है, तो कम केम, वी टू फॉर्म है, तो केम का कम हो जाएगा, वी हैव टू पुट डिड, तो ही डिड कम हियर यस्टरडे. द ड्राइवर ड्रोव वेरी फास्ट, द ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट है, ड्रोव इज द वर्ब, ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, तो ड्रोव वी टू फॉर्म में है, वी टू फॉर्म में, तो हम इसको वी वन फॉर्म में करो, ड्राइव, तो द ड्राइवर डिड ड्राइव वेरी फास्ट. ओके, द गर्ल्स प्लक्ड द फ्लावर्स, वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, प्लक्ड, कौन से फॉर्म में, प्लक, प्लक्ड, वी टू फॉर्म है, तो उसको वी वन फॉर्म में लाओ, प्लक, और हम क्या लगाना होगा, डिड, द गर्ल्स डिड प्लक द फ्लावर्स. दीज बॉयज मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, तो दीज बॉयज मेक, मेक, दीज बॉयज प्लूरल फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे, डू, दीज बॉयज डू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस. तो इम्फैटिक में आपको कहाँ पे स्ट्रेस करना है, यू हैव टू रीड द सेंटेंस. अगर स्टेटमेंट जैसा लग रहा है, जैसे गिव रेस्पेक्ट योर टीचर्स, कम इन टाइम, तो आपको डू लगा के करना है. बाकी आपको कहाँ देखना है, वर्ब में देखना है. इफ इट इज प्लूरल तो क्या करेंगे हम लोग, डू. इफ इट सिंगुलर, एस लगाए वर्ब के, तो डस लगेगा. ओके, तो आपको आंसर बनाते समय, अगर इफ इट इज पास्ट टेंस है, तो डिड लगा के वी वन फॉर्म में करना है. दैट्स ऑल, नथिंग मोर, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है. ओके, नाउ लास्ट आपकी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, रीराइट ईच इम्फैटिक सेंटेंस एज सिंपल. जैसे हमने वो एक्सक्लेमेटरी को सिंपल में लिखा था, सेम यहाँ पे भी इम्फैटिक को सिंपल में लगाना है. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी डिड टेल लाइस, डिड है तो वो वी वन फॉर्म है, उसको वी टू फॉर्म में करना पड़ेगा. जहाँ पे भी डिड है तो वो वी टू फॉर्म है. ओके, तो आपको वी टू फॉर्म में करना पड़ेगा वर्ब को. शी टेल का क्या है वी टू फॉर्म, टेल टोल्ड, शी टोल्ड लाइस. द नेक्स्ट, ही डिड ओपन माई लेटर, डिड आया तो ये वी टू फॉर्म है कन्वर्ट, तो ओपनड, ही ओपनड माई लेटर. नेक्स्ट, बॉयज डू टीच द गर्ल्स, बॉयज प्लूरल फॉर्म में. ओके, तो कैसे हम लगाएंगे, बॉयज
कुछ नहीं करना है, सिर्फ डू को हटाना है. बॉयज डू टीज द गर्ल्स. नेक्स्ट, शी डज ईट टू मच. डज है तो हम वर्ब के साथ एस लगाएं, शी ईट्स टू मच. ओके. नेक्स्ट, ही डिड बीट माई ब्रदर. डिड आए तो वर्ब का वी टू फॉर्म, बीट बीटेड. ओके, ईडी लगेगा. ही बीटेड माई ब्रदर. देन लता डज नोज माई एड्रेस. डज है तो वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा. लता नोस के एन ओ डब्ल्यू एस माई एड्रेस. मदर्स डू लव देयर चिल्ड्रन. डू है तो सिर्फ डू को हटाना ही है. मदर्स लव देयर चिल्ड्रन. योर ब्रदर डज मिस हिज क्लासेस. तो क्या लगें, डज है तो क्या लगाएंगे, जो वर्ब है हमारा उसके साथ हम एस ऐड करेंगे. योर ब्रदर मिसेस हिज क्लासेस. ओके, डू है तो सिंपली डू को हटा देना है, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा. जहां पे डिड है तो वो उसको वर्ब का वी टू फॉर्म करना पड़ेगा. ओके, और डज है तो जो वर्ब है उसके साथ एस लगाना है. सिंपल, डू निकाल दो, डज तो एस ऐड करो, और डिड है तो उसका वी वन फॉर्म करो. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.